दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक के बारे में, जो बन चुके हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की वर्ल्ड ऑफ विजडम सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इतिहास रच दिया है। वे भारतीय मूल के पहले ऐसे नागरिक हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सुनक को आधे से भी ज्यादा सांसदों ने कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना है, जिससे वे प्रधानमंत्री के पद के पक्के दावेदार साबित हुए और पार्टी ने उनके नाम पर मोहर लगाई। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन में हुआ। वो अपने माता पिता की तीसरी संतान है। चलिए आगे और जानते हैं उनके बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सुनक के दादा दादी का जन्म भारत में हुआ था। इसके बाद वे लोग पूर्वी अफ्रीका चले गए। सुनक के पिता NHSGP सुनक का जन्म केन्या में हुआ था, जबकि माता उषा सुनक का जन्म तंजानिया में हुआ था। 1960 के दशक में सुनक के दादा दादी ब्रिटेन आ गए। सुनक इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। सुनक ने अक्षता से साल 2009 में शादी की थी। बेंगलुरु में दोनों की शादी हुई और उनके दो बच्चे हैं। सुनक की पढ़ाई लिखाई विंचेस्टर कॉलेज से हुई और फिर बाद में उन्होंने लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। सुनक ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फुलब्राइट स्कॉलर के रूप में MBA किया। ऋषि सुनक 2001 से 2004 तक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में एनालिस्ट रहे। 2006 में चाइल्ड इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट में ऋषि सुनक पार्टनर बने। 2009 में सुनक ने TCI छोड़कर हेज फाउंडेशन फर्म का ज्वाइन कर लिया। 2015 में सुनक ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और सिर्फ 7 साल की अवधि में ही वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा।